और दोस्तों फेसबुक में जाके हमें लाइव देखो, क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक अकेले हमें जो डेली लाइव आते हैं, हर क्लास को लाइव शूट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए अब ये डैड वाला जो है ना लिखा हुआ, ये हटा देता हूँ क्योंकि हटाने का टाइम आ चुका है। देख लीजिए ये सेट ऑन हो चुका है और रीस्टार्ट पे था, तो ये कुछ भी हो सकता है सॉफ्टवेयर का फॉल्ट हो, किसी ने हीट मार दिया हो चक्कर में, या किसी ने पावर आवर का गेम कर दिया हो। बट क्योंकि क्लास के अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट ये देख रहे हैं तो ये समझ जाएंगे कि मैंने उनको ग्राफिक्स सेक्शन में बताया है कि सीपीयू पे कब काम करना है। आपको बता देता हूँ, अगर आपको +5 -5 और एक VIO वोल्टेज मिलता है तो आपको थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? तो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज फिर से एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, और इस बार मैं लेकर आया हूं एक फ़ोन है, आपको मैं दिखाता हूं यहां पर। आप सबसे पहले देखिए इसको, इसका फॉल्ट देखिए, ये ना डेड में देखिए यहां पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, ये डेड में आया है, ये देखिए ये लिखा हुआ है। ओके तो हम इसको अब हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी रीडिंग क्या आ रही है। देखिएगा आप इसकी रीडिंग देखिएगा, मैंने डिस्प्ले लगाया है। इसकी बैटरी यहाँ पर देखिए, इसकी बैटरी यहाँ पर, यहाँ एक्टिवेटर में इसकी बैटरी बूस्ट हो रही है। तो पावर की दबाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए बूट कर रहा है पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है, और आप देख सकते हैं। और बूटिंग भी आप ध्यान से देखो तो बूटिंग जो कर रहा है वो भी बहुत जरूरत से ज्यादा कर रहा है। मतलब ये एक शॉर्टिंग बोल सकते हैं या फिर लीकेज बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे बूटिंग कर रहा है। और इसमें दोस्तों ना लाइट का फॉल्ट है ना ग्राफिक्स का, मैं आपको बता रहा हूँ, पर ग्राफिक्स नहीं आ रहे। और ये जो फॉल्ट किसका है, पहले ये फोन है ना लोगों पे भी आता था, पर ये लोगों पे अब नहीं आ रहा है, किसी टेक्नीशियन ने इस पे काम किया तो अब ये लोगों को भी नहीं आ रहा है। ये फॉल्ट आ लोगों पर रीस्टार्ट, तो किसी ने काम किया है तो अब लोगों पर रीस्टार्ट भी चला गया है। और ये है ना, ये देखिए अभी भी देखिए ये बंद हो जाता है। तो आप इसकी बूटिंग थोड़ा ध्यान से देखिए, ये देखिए डिस्प्ले में कुछ नहीं है, पत्ता लगा हुआ है पूरा, ये देखिए डिस्प्ले का पत्ता लगा हुआ है। और बूटिंग आप देखेंगे तो बूटिंग इसकी 1000 के ऊपर जाकर फिर वापस लो बूट पे आ जाता है, और फिर ये बंद हो जाता है। पर अगर हम यहाँ पे बात करें, ग्राफिक्स इसमें कुछ भी नहीं है, हल्की सी लाइट जलती है इसमें पर ग्राफिक्स कुछ भी नहीं है। अब इसको डायग्नोस करते हैं। सबसे पहले आइए इसको ये चेक करते हैं कि इस पे लाइट और उसके वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आइए मैं देखिए, मैंने डिस्प्ले का पत्ता निकाल दिया है, और आप वोल्टेज देखिए आप लोग, मैं इसको फिर से ऑन कर रहा हूं, तो ये बूटिंग ले लिया है। सबसे पहले +5 -5, ये देखिए +5 बन रहा है और -5 भी बन रहा है। और इस पे बूस्ट वोल्टेज में भी बन रहा था दोस्तों,
तो मैं फिर से इसको बूटिंग करता हूँ एक बार। देखिए फिर से ये देखिए, तो ये इसके बूस्ट वोल्टेज है। आप देखिए कैसे इसके बूस्ट वोल्टेज है, तो ये 32 तक बूस्ट वोल्टेज जाते हैं, फिर ये वापस आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इसमें यहाँ पर हमारा +5 -5 भी मिल रहा था, और आपने ये देखा कि इस पे बूस्ट वोल्टेज भी बन रहे थे। तो इसका यहाँ पे पावर तो ओके है और इसका लाइट और ग्राफिक्स भी ओके है। तो इसका जो फॉल्ट बनता है, क्योंकि ये ग्राफिक्स बाकी से +5 और -5 से ही सीन नहीं होता है। मैं अपने स्टूडेंट को भी ये कहता हूँ, ये वीडियो देख रहे होंगे तो देखिए कि अगर आपके कनेक्टर पे +5 -5 आपको वोल्टेज मिल जाते हैं और 1.8 एक VIO मिल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि मामला कहीं ना कहीं CPU पर ही जाता है। तो हम इसको ना CPU रिवॉल्व करेंगे, और आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा हुआ है, पेस्ट लगा हुआ है। तो हम इसका CPU रिवॉल्व करेंगे, और ये CPU रिवॉल्व कर देखते हैं, और ये CPU है SM6150, और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट निकलता है वन शॉट में, एक सिंगल IC। हम हर IC पे काम नहीं करेंगे, हम सिंगल वन शॉट पे काम करेंगे, और यही डायग्नोस का तरीका होता है, क्योंकि फ़ोन हमारा एटलीस्ट रीडिंग ले रहा था, बूटिंग ले रहा था, तो इसका मतलब BPH लाइन ओके है। अगर +5 -5 आ रहा है तो डिस्प्ले ग्राफिक्स का +5 -5 मतलब ये सप्लाई भी ओके है, बूस्ट भी बन रहा है, तो मतलब हमारा मेन पावर से कोई सीन नहीं है। तो हम इसमें CPU को रिवॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये हमारा ठीक हुआ कि नहीं हुआ है, और CPU को रिवॉल्व करेंगे हम। तो आप देखिए कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ PCB होल्डर, मैं ये नॉर्मल PCB होल्डर यूज़ कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी अच्छा। दोस्तों इस PCB होल्डर में आपको बात बताऊँ एक बार, अगर आप बिल्कुल नए हैं और आप टूल्स के मोबाइल्स के टूल्स परचेस करना चाहते हैं, तो PCB होल्डर कोई सभी ऐसा परचेस मत करें कि जो ये 200-250 वाला, इसमें एटलीस्ट 500 रुपये वाला PCB होल्डर परचेस करें। सनसाइन का ले लो जो एटलीस्ट भारी हो, नहीं तो क्या होता है उसके ना ये जो स्क्रू होते हैं जो ढीले हो जाते हैं, घूम जाते हैं, और ये जनरली ये निकल जाता है, ये जो सिरा होता है ना ये सिरे ये पूरे निकल जाते हैं, तो ये है ना पैसा वेस्ट चीज़ है। पर ये क्योंकि एक ब्रांडेड है तो ये निकलता नहीं, एक बहुत पुराना है, देखिए आप कितना यूज़ कर चुका हूँ मैं इसको। और यहाँ पर हमें IC रख कर हम उसका ग्लू भी कट कर सकते हैं। तो हम इसका CPU रिवॉल्व कर देते हैं, आप देख सकते हैं CPU लगा है SM1650, और इसका CPU हम रिवॉल्व करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वीडियो को, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना लाइक करो, क्योंकि ये जो कंटेंट है, हम चाहें तो अगर बिना कैमरे के उसमें आपको हमारे को तो कुछ नहीं, हमारे को तो और टाइम शॉर्ट में हम ये सब बना देंगे, क्योंकि विद कैमरे के साथ में बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है, बकायदा चेक करना पड़ता है कि कैमरे में हर चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वॉइस समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर उसको एडिटिंग करना पड़ता है, पूरा एडिटिंग का टाइम दो, फिर ये सारी चीज़ मेहनत हो जाती है। तो अगर ये आपके लिए कर रहे हैं और आपको इससे फॉल्ट समझ में आ रहा है, तो क्यों ना आप इसको ये सोचे कि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों इसमें जितना हो सकता है लाइक कर दो यार, जितना हो सकता है। देखो CPU तो निकाल दिया है, और इसमें CPU में बता दूं कि किसी ने CPU पे काम किया हुआ है ऑलरेडी, और इसको रीहॉट किया होगा मे बी, तो इस बोर्ड में पूरा काम हुआ है तभी ये सीन गया हुआ है। और CPU भी काफ़ी इस पे हल्का सा मुझे डैमेज दिखाई दिया, अभी आप देखेंगे आगे इस पे। ये वॉइस है एडिटिंग जो मैं आगे इसको कट करके वॉइस एडिटिंग अपनी अलग से डाल रहा हूँ। और इसके साथ भी आपको बताता हूँ कि आप अगर इससे टेलीकॉम, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी हम एक गिव अवे करने वाले हैं, बहुत ही बड़े प्रोडक्ट का गिव अवे, जो आपका सपना हो सकता है कि मोबाइल रिपेयरिंग में सर मैं इतनी महंगी मशीन कभी खरीद नहीं पाया, तो आप इस वीडियो को जितना लाइक अभी कर सकते हैं और फेसबुक में शेयर कीजिए, तो मैं आप में से ही बहुत सारे में से एक लोगों को उठाऊँगा और ये गिव अवे दूँगा। इस गिव अवे को मैं 23 या 24 तारीख को प्रमोट करूंगा, और ये गिव अवे का जो वीडियो आएगा ये मेरे ऑफिशियल चैनल पे आएगा इसे टेलीकॉम में, वहाँ पर आपको बस उस वीडियो पे जाना है और कमेंट्स करने हैं
और लाइक करने हैं और उसको फेसबुक पे शेयर करना है। जितना आप उसको फेसबुक पे शेयर और कमेंट्स और लाइक करेंगे उतना ही आप चांस पाएंगे उसका जीतने का। वो तो जैसे आपने देखा पिछला हमने गिव अवे किया था हमारा एक माइक्रोस्कोप का सेकेंड जनरेशन जो कि मिला था एक सूफिया करके एक बंदे को, तो उसका भी एक वीडियो मैं इसके जस्ट अगले दिन ही डाल दूंगा क्योंकि उसको पहुंचने में टाइम लग गया था क्योंकि वो एक बहुत मतलब एक मेन सिटी में नहीं रहते हैं, सिटी से बाहर रहते हैं। अब आप देखिए कि सीपीयू की क्लीनिंग के टाइम पे जब मैंने इसको नोटिस किया तो सीपीयू के कुछ यहाँ पर पैड के पास में स्क्रैचेस मुझे दिखाई दिए जो कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया सीपीयू यहाँ पर बहुत डैमेज मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे अक्सर काम पर है ना टेक्नीशियन छोड़ देते हैं काम और उनको लगता है कि सीपीयू ख़राब हो गया है तो वो या तो उसको करते नहीं है या तो उसको और डैमेज कर देते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक काम को कोशिश करेंगे ख़त्म करने तक करें तो आप इसको कर लेंगे और नहीं आता तो उस पर प्रैक्टिस करो। देखो यूवी ग्लू से उसको मैं जो जो लाइन है आपको देख रही होंगी उस लाइन को मुझे ढकना पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इसको रिवॉल्व करूँगा और यूवी ग्लू लगाऊँगा तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये जो दो पैड आपस में मिल जाएं। और अगर दो पैड आपस में मिलते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि वो दो पैड आपस में मिले हुए भी हो सकते हैं, पर अगर दो अलग अलग पैड मिल जाएं तो बहुत दिक्कत की बात हो जाती है, सीपीयू शॉर्ट हो जाता है, माइनस भी मिल सकता है, प्लस प्लस भी मिल सकता है। तो आप देखिए कि यूवी ग्लू का कितना इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल रिपेयरिंग में, हर एक टूल का इंपॉर्टेंट होता है। आप हम अपने स्टूडेंट से माइक्रो जंपिंग हो गई, यूवी ग्लू का काम हो गया, आईसी निकालना, सीपीयू निकालना, और इवन हम अपने स्टूडेंट से सीपीयू जो रिवॉल्विंग करवाते हैं वो सीपीयू हम यूनिवर्सल स्टेंसिल से ही रिवॉल्व करवाते हैं क्योंकि हमारा मेन मोटो ये है कि स्टूडेंट को है ना रिवॉल्विंग इस तरीके से आए कि अगर आपके हाथ में पर्टिकुलर आईसी का स्टेंसिल नहीं है तो आप यूनिवर्सल से किसी भी आईसी का रिवॉल्विंग कर सकते हैं, यूनिवर्सल से किसी भी आईसी का रिवॉल्विंग कर सकते हैं। तो काम में है ना इस तरीके से हम इनको देते हैं। आईसी के जीआर पैड हो गए, सीपीयू तक की लाइनों को ट्रेस करना डायग्राम्स से, विदाउट डायग्राम्स से। अब वीवो के सेटों को आप ले लो, लोग डायग्राम कहते हैं, आप देखेंगे कि वीवो के सेटों का डायग्राम ही नहीं है, ना बोर्नियो में है ना मार्केट में, सिर्फ डायरेक्ट हार्डवेयर सोल्यूशन है। तो बनाए कैसे है, तो हार्डवेयर सोल्यूशन है। किसी आईसी पर जब कोई अटक जाता है तो वो उसी पर्टिकुलर सेट को लेकर ही अटक जाता है, पर हमारे पास उसके भी सोल्यूशंस हैं जो अपने स्टूडेंट को देते हैं और हम बोलते हैं कि तुम वो आईसी भी बना सकते हो और उस आईसी का भी तुम बाकायदा डाटा सीट निकाल के उस आईसी को बना सकते हो। कैसे निकाल सकते हो ये भी हम सारी चीज़ें बेसिकली बताते ही है। आप देखिए कि कोई भी काम मेहनत से होता है और जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही सक्सेस होगे। यहाँ पर मुझे फिर से पेज डालने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि देखिए सीपीयू के टाइम पे आप वन टाइम रिवॉल्व जब करते हैं तो उसको एक बार ज़रूर कट के फिर से बनाइए क्योंकि उससे फ़ायदा ये पड़ता है कि सारे बॉल एक जैसे हो जाते हैं और कोई दिक्कत जाती नहीं है। पर्टिकुलर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको आईसी रिवॉल्विंग हमारी डन हो चुकी है। अब इसमें आईसी जो रिबॉलिंग है वो हमारी डन हो गई है। अब हम इस आईसी को वापस बोर्ड में लगाएंगे हमें क्योंकि रिबॉल करना है। और यहाँ पर सीपीयू काफ़ी डैमेज है और कोशिश यही है कि इसको लगाएं और उसको हम वन टाइम में इसको चालू करें। और अगर ये इसके बाद नहीं होता है तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ चलती है कि इसमें है ना फिर हम सीपीयू चेंज कर देंगे क्योंकि सीपीयू पे भी काफ़ी स्क्रैचेस हैं ऑलरेडी, और मैंने पहले बताया कि सीपीयू पे ऑलरेडी काफ़ी काम हो चुका है। आप फेसबुक में जाइए और हमारे लाइव चेक कीजिए, आप देखिए हमारा। और पहली बात ना, हमारे इंस्टीट्यूट को दूसरे इंस्टीट्यूट से कंपेयर कभी मत कीजिए। आधे से ज़्यादा तो हमसे ही पढ़ के गए हैं टीचर्स, तो उनकी तो बिल्कुल बात ही मत करो। दूसरी बात, बाकी लोगों की क्या बात करूँ, वो क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइमिंग और हमारा हर चीज़ एक अलग लेवल पर है। हमारे स्टूडेंट को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ऐसे नहीं है कि हम दुकान पर बैठे हैं तो एक मोबाइल बनाना है, कोई मोबाइल आ गए दो तो एक स्टूडेंट को दे दिया, ले तू बना ले और दिन भर बनाता रहा है। तो ये सारी चीज़ हम स्टूडेंट को सिखाते हैं और यही चीज़ आपको सीखने को मिलती है। थैंक यू। तो दोस्तों हमारा सीपीयू लग गया है, आपने देखा कि किस तरह से मैंने एक्सपीरियंस के थ्रू डायग्नोस किया और मैंने ये पाया कि इसमें डिस्प्ले ग्राफिक्स जो होता है उसका जो एक्टिव वोल्टेज है वो आ रहा है। मैंने इसमें देखा कि इसमें बूस्ट वोल्टेज बन रहे हैं, तो ये पावर या इसके सब पावर का काम तो लग नहीं रहा है क्योंकि ये पूरी रीडिंग भी ले रहा है बाकायदा। और पहले की जैसे बताया है कि इसमें रीस्टार्ट पे था, तो
ये कुछ भी हो सकता है, हो सकता है सॉफ्टवेयर का फॉल्ट हो, किसी ने हीट मार दिया हो चक्कर में, या किसी ने पावर आवर का गेम कर दिया हो, बट क्योंकि क्लास के अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट ये देख रहे हैं तो ये समझ जाएंगे कि मैंने उनको ग्राफिक्स सेक्शन में बताया है कि सीपीयू पे कब काम करना है। आपको बता देता हूँ, अगर आपको प्लस फाइव माइनस फाइव और एक वीआईओ वोल्टेज मिलता है तो आपको फिर डायरेक्ट सीपीयू पे ही काम करना है। तो ये हमारा बोर्ड लग चुका है, अब इसको एक बार ऑन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा जो हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा ठंडा कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है और आपको भी एक अच्छा टेक्नीशियन बनना है, आप चाहते हैं कि आप अपने एरिए में आईसीओ पर काम करना चालू कर रहे हैं, अभी आप तक डिस्प्ले कनेक्टर या सीसी चेंज कर रहे हैं या कॉम्बो का काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ और आप किसी और को सेट दे रहे हैं, तो दोस्तों अब देखना बंद कर दो और आज ज्वाइन करो एसर टेलीकॉम, आज ही कॉल करो हमारे नीचे दिए स्क्रीन पे शो रहे नंबर पे और अपनी सीट बुक करो, सिर्फ एक महीना मुझे अपना दे दीजिए। दुकान बंद कर दो, भूल जाओ कोई कमाई नहीं, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी आपकी चेंज हो जाएगी। आप ये सोचेंगे कि मैं कमाई भी करते रहूँ सीखते रहूँ और ऑनलाइन या फिर कहीं, तो दोस्तों ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो सही जगह से नहीं सीखोगे तो कभी सीखोगे ही नहीं। एक इस लाइन ना सबसे मोटिवेट करने से ज़्यादा डीमोटिवेट ज़्यादा होते हैं लोग, तो इसलिए एक जगह आओ पर सही जगह आओ। ये हमारा फोन, बैटरी मैंने बूस्ट कर ली है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि मैं बैटरी बूस्ट कर रहा हूं। तो देख लेते हैं, देखिए तो हमारा सेट ऑन हो चुका है कंप्लीटली, टब से देख लीजिए। अब ये डैड वाला जो है ना लिखा हुआ, ये हटा देता हूं क्योंकि हटाने का टाइम आ चुका है। देख लीजिए ये सेट ऑन हो चुका है, और ये किसी दूसरे टेक्नीशियन ने पता नहीं क्या किया, बिना सीखे तो काम करते हो, बिना सीखे काम करने वाले लोगों के साथ ये हो सकता है। और जितने भी स्टूडेंट है देखिए ये कम्प्लीटली सेट डेड हो चुका है, देखिए। तो आपको भी अगर ऐसा काम करना है और आपको भी अगर इस तरीके से मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है तो एसर टेलीकॉम को ज़रूर ज्वाइन करो। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने इसको डायग्नोस किया, और डायग्नोस करके दोस्तों ये वीडियो जरूर देखेगा, ये वीडियो मैं मैंने पूरा डायग्नोस करके बताया और किस तरीके से एग्जांपल सेट किया कि मुझे किस आईसी पे डायरेक्ट काम करना चाहिए जिससे मेरा ये फ़ोन चालू हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक नीचे एक वीडियो की लिंक दी है जिसमें करंट बैच, जो इसी बैच के जो अभी के टाइम पे अभी बैठे हुए हमारे इंस्टीट्यूट में, उनका बहुत गजब का आउटपुट का एक वीडियो डाला हुआ है, उनको देखो कि वो उनको वाकई में अभी 15 दिन हुए हैं और उनको कैसा फील हो रहा है और वो क्या सीखे उन्होंने। एक एक ने पावर आई सी सीपीयू लाइव, जैसे मैंने लगाया अभी आपको सीपीयू लाइव उन्होंने लगाया है कि नहीं लगाया, देखो उनका रिजल्ट। और दोस्तों फेसबुक में जाके हमें लाइव देखो, क्योंकि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक अकेले हमें जो डेली लाइव आते हैं, हर क्लास को लाइव शूट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। साथ में आए थे तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किया, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू, डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना, आपने लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल टेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल टेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल।
आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? सर हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज से क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? कर डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट थैंक यू दोस्तों।